अशोक जी नमस्कार। जी नमस्ते, सभी श्रोताओं का वंदन अभिनंदन स्वागत। अशोक जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि आप कृष्ण जी को दिव्यांग जनों की दृष्टि से कैसे देखते हैं? धृतराष्ट्र दृष्टिबाधित थे, आंखें नहीं थी। इतना बड़ा युद्ध हुआ महाभारत का, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह कभी नहीं कहा कि धृतराष्ट्र राजा नहीं बन सकता। दुर्योधन का विरोध किया, तरह तरह से महाराजा धृतराष्ट्र को भी समझाने का प्रयास किया। दिव्यांगजन का सम्मान उनके मन में प्रारंभ से ही था। कुब्जा जो झुक के चलती थी, कंस के दरबार में जाती थी चंदन लेपन करने के लिए, क्योंकि दिव्यांग थी, महिला थी, इसलिए उसको शर्म आती थी, लोग उसका उपहास उड़ाते थे। दिव्यांग के प्रति उनका आकर्षण देखिए, वो और बलराम जा रहे होते हैं, बलराम से कहते हैं, भैया बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत सुगंध आ रही यहां पे, चलिए देखते हैं। बलराम कहते हैं, क्या भैया, तुम तो हमेशा, तुमको हर जगह सबको सुगंध आती है, और कुछ सोचता नहीं, अरे जहां चले चलो वहां चलते हैं। बोले, नहीं भैया, मन कर रहा है, वहां तो चलेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। और तब तक मुड़ जाते हैं उस मार्ग पर जिधर से कुब्जा आ रही है। चंदन देखते हैं, अरे कितनी सुंदर, तभी तो ये इतनी सुगंध आ रही है, पिटरिये में क्या रखी हो। और जैसे कहा कुब्जा को, जल भूनकर राख हो गई। हुआ उसने कहा, तुमने मेरी विकलांगता का, मेरी दिव्यांगता का उपहास उड़ाया है, आज तक मेरे साथ इतना क्रूर मजाक किसी ने नहीं किया जितना तुमने किया है। मैं कंस से बताती हूं। अब वो जितना बोल पाई उतना बोलती रही, और श्री कृष्ण खड़े खड़े मुस्कुराते रहे, चूंकि उनका मुस्कुराना भी अपने में बहुत कुछ समेटे हुए होता है। जब वो कह चुके तो बोलते हैं, मैंने आपका उपहास नहीं उड़ाया है, आप वास्तव में सुंदरी हैं, वरने सुगंध कहां से आती, पिटरिया में क्या रखी हो, खोला, अरे वाह मजा आ गया। ऐसा कहते हुए और बातों ही बातों में जब बड़ी कुबेर समझ में आ गया कि नहीं, मेरा उपहास नहीं किया है, प्रसन्न हो जाती है। और देखिए, भगवान कृष्ण एक तरफ मनोवैज्ञानिक हैं, और दूसरी तरफ जब कुब्जा की बात है तो क्या हो गए, जो झुकी हुई थी, हाथ लगाया, ऐसे किया, ठुड्डी सीधी हो गई, सुंदर स्त्री हो गई वो। लेकिन दिव्यांगों के प्रति उनका आकर्षण देखिए, सामान्य जीवन में उनको लाने की जो प्रक्रिया है उसका उपक्रम देखिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को आप एक रूप में देख ही नहीं सकते हो, जब जहां जैसी जरूरत पड़ी उसके अनुसार ढाल लिया। भगवान श्री कृष्ण सबको शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद अशोक जी अपना दृष्टिकोण रखने के लिए। आपसे अनुरोध है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको इस चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियोस मिलती रहें।